minus and 30 30 seconds. Seconds to go. Real time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of power horse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LV-M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ, यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। हियर फ्रॉम द मिशन कंट्रोल सेंटर वी कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ द लॉन्च। दोनों S-200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। शार्वन इज इन मेनाटो। 5952 किलो न्यूटन्स इन वैक्यूम। शार्टो मेनाटो। S-200 मोटर्स थ्रस्टिंग करेंटली। S-200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है। इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकेंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S-200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L-110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The core L-110 and the two S-200 boosters all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S-200 का पृथक्करण। 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड। जी हाँ, S-200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L-110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। ऑन योर टीवी स्क्रीन्स द विजुअल्स फ्रॉम द ऑनबोर्ड कैमरा शोइंग द सेपरेशन इवेंट ऑफ द S-200 बूस्टर्स। द L-110 कोर स्टेज अलोन करेंटली थ्रस्टिंग। S-200 बूस्टर्स को जेटिसनिंग मोटर का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है। L-110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है वर्तमान में प्रज्वलित है। पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। स्लोप गाइडेंस इनिशिएटेड। Shar, Bengaluru and Trivandrum ground stations are currently tracking and the two major flight events have been completed. The separation of payload fairing and the initiation of closed loop guidance. यान की ऊंचाई 142 किलोमीटर, अब यह वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है। करंट ऑल्टीट्यूड 163 किलोमीटर। प्लस 4 मिनट्स। द L-110 स्टेज इज पावर्ड बाय ट्विन विकास इंजन्स। द टोटल बर्न टाइम इज क्लोज टू 200 सेकेंड्स।
यान पूर्णतः अपेक्षित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Stage is authorized. कुछ ही सेकेंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रज्वलन समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। L110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C-25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C-25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जा रहा है। प्लस 6 मिनट्स इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतक्षेपण किया जाएगा। 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C-20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. प्लस 8 मिनट्स हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। शार त्रिवेंद्रम एंड बेंगलुरु ग्राउंड स्टेशंस ट्रैकिंग इन द मीन टाइम The tracking of the LVM3 OneWeb India 2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Savalbard, and Lucknow ground stations are participating. Plus 9 minutes. To canter to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryo stage operational regime and the separation of first and cryo second batch of performance normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station
Cellular blood is starting to acquire the data. The confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. OneWeb.